समागान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग और शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन सुवर्णमय, वीर्य वाले, धनदाता, सत्य पुरुषों के आश्रम, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारी महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप अथवा काल के भी काल होने वाले महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्व शासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोगों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लाभ्य तेजोमय विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समान महान, क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रिय और उनके विषयों में अतीत अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता, प्रज्ञापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल चलने वाले, गरुड़ पक्षी, ब्राहधाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा श्री ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवतत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव्या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, शास्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेहयुक्त भाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रायोजन रहित, अनंत धन राशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध, आनंद रूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे को कपट नष्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगामों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलय नील के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वाहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व रूप धर्ममय वृषभ के वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में ही स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयस के धनी, वराह को मारकर उसे दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली, अद्वितीय त्रेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्रीवत्सधारी, श्री विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वस्त्र समभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले,
सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकारवर्ती एवं अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभावात कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटामुंड माला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जाने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक देवी सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्राण रूप, सत्य पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महान धनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से पार करने वाले नौका रूप, कृत कृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बांह वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत रूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्रकाट्य के हेतु यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग, वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुशर रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद के प्रेमी रस, शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्म धारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाककल्य ऋषि रूप, अत्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के दाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोत्तम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस प्रकार उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस महान सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट होने पर यदि मनुष्य शंगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्त्रोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ स्त्रोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। इसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है।
महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरो।